नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा ALP के जो पहले रिक्वायरमेंट पोस्ट निकाले गए थे उनके पोस्ट में इंक्रीज कर दिया गया है, यानी बढ़ोतरी कर दी गई है उनके पोस्ट में। और अब जो रिक्वायरमेंट होने वाला है वो करीबन यहाँ पर 19,000 पोस्टों पर भर्तियाँ निकाली गई है। दोस्तों, पिछला और अब का टोटल पोस्ट जो है वो 19,000 है। पहले भी इस पर 5,600 कुछ पोस्ट के लिए यहाँ भर्तियाँ निकाली गई थी, पर दोस्तों उसी में अब फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि 14,000 और भर्ती निकाली गई है, जो टोटल मिला के 19,000 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि पिछले वीडियो में जो मैंने ALP का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फुल बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th और ITI पास कैंडिडेट के लिए था, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 10th पास और ITI कैंडिडेट के लिए बम्पर भर्ती की सूचना जारी कर दी गई है। चलिए संपूर्ण जानकारी को जानते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल सूचना जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक लोको पायलट का, इससे पहले ये भर्ती जनवरी महीने में आई थी 2024 में, आप सभी को पता होगा, जो कि टोटल यहाँ पर 5,696 पदों पर रिक्त भर्ती निकाली गई थी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 1/2024 का था। अब दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो वे दोबारा से अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, यानी पहले अगर मान लीजिए किन्हीं अप्लीकेंट का अप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करना बाकी रह गया था तो अब दोबारा से इसका सुधार का तिथि है जो जारी किया जाएगा, और फिर से पहले वाले कैंडिडेट भी अब दोबारा सुधार करेंगे। और देख लीजिए, इस बार जो पोस्ट की संख्या है वो 18,799 या लगभग 19,000 पोस्टों पे भर्ती निकाली गई है। वर्तमान समय में दोस्तों इतना ही पोस्ट है, पर आने वाले समय में इसकी पोस्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी करीबन 25,000 पोस्ट पे भी इसका भर्ती हो सकता है। तो इसका हर एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी पाने के चैनल को जरूर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बार बार आप सभी से विनती कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि क्या कुछ RRB के अनुसार जो नोटिस जारी किया गया वो बताया गया है। RRB अनुसार एक कम्युनिटी अनुसार रिक्तियों के विवरण को इंगित करने वाली आवश्यक सूचना बाद में वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, यानी दोस्तों ये सिर्फ अभी शॉर्ट नोटिस जारी करके कैंडिडेट को बता दिया गया है कि 18,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, पर इसका दोस्तों अभी तक अप्लाई लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होता है मैं संपूर्ण जानकारी आप सभी को अप्लाई जो भी करना है उससे रिलेटेड मैं संपूर्ण जानकारी बता दूंगा। पर दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं इसके पहले वाले जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या जानकारी मांगी गई थी ALP का, क्योंकि सिर्फ आपका ये दोस्तों पोस्ट ही तो बढ़ाया गया है, बाकी हर चीज़ आपका समान रहने वाला है, यानी एज लिमिट की बात करें और बाकी सारा वेतन की बात करें तो ये सारी जानकारी सेम रहने वाली है, सिर्फ पोस्ट में यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो चलिए पहले इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके थ्रू जानते हैं और आप सभी को मैं जानकारी देता हूँ कि क्या कुछ अभ्यर्थी के थ्रू मांगा जाता है इस लोको पायलट भर्ती में। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो रखा है रिक्वायरमेंट का, जो कि पहले वाला रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है। दोस्तों, मैं साफ तौर पर आप सभी को बता देता हूँ, न्यू नोटिफिकेशन इसका हो सके जारी ना हो शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, बाकी सारा डिटेल्स वही रहेगा आप सभी का, सिर्फ यहाँ पर पोस्ट में बदलाव किया गया है। मैं आप सभी को बार बार ये बता रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आइएगा आप सभी को स्क्रॉल करके नीचे देखने को मिल जाएगा कि इसका अप्लाई डेट था, पर दोस्तों इसका अभी जो पोस्ट बढ़ाया गया है लेटेस्ट में उसका अभी अप्लाई डेट नहीं आया है, तो ये अप्लाई डेट अभी कोई आपका काम का नहीं है। अब नीचे बात करते हैं कि वेतन कितना मिलेगा, ये आप सभी को यहाँ पर जरूरी है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट 18,799 हो जाएगा, और एज लिमिट की बात करें तो उतना ही रहेगा, 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर उनका प्रारंभिक वेतन की बात करें तो 19,900 रुपये उनका प्रारंभिक वेतन रहेगा, जो कि लेवल 2 का वेतन है। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट पे आप सभी का सिर्फ 10th और ITI पास कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया ये पोस्ट होता है दोस्तों रेलवे में। तो दोस्तों, अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सहायक लोको पायलट यानी ALP का जो दिया गया है 19,000 वेतन, और यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के रूप में मांगा गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन,
और यहाँ पर ITI किसी भी संस्था से किए हुए होना चाहिए, और फीटर या फिर मैकेनिकल किसी भी ट्रेड में अगर आप किए हुए हों तो उनकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, उन ट्रेड के अनुसार यहाँ रिक्वायरमेंट निकाला गया है। इसी पाठ्यक्रम में आप नीचे आइएगा तो एक और यहाँ पर बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन और यहाँ पर ट्रेड में ITI किया अप्रेंटिस के लिए भी ये पद है दोस्तों, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और ITI पास कैंडिडेट के लिए बम्पर भर्ती है दोस्तों। मैं आप सभी को यहाँ पर जानकारी बता दिया, वेतन बता दिया, पोस्ट को बता दिया, एज लिमिट बता दिया, और जैसे ही कोई अन्य जानकारी निकल कर आती है मैं भी उस जानकारी को तुरंत आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों इसका जो चयन प्रक्रिया होने वाला है वो दोस्तों आपका यहाँ पर 3 चरणों में होता है, जैसे कि CVT 1 होगा आप सभी का, पहले CVT ये एग्ज़ाम होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसी में CVT 2 होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आप सभी का यहाँ पर जारी होता है दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है भर्ती की प्रक्रिया, यहाँ पर देख लीजिए समान रूप में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि CVT कंप्यूटर आधारित टेस्ट और उसके बाद कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट या और तब दस्तावेज सत्यापन, और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 3 चरणों में यहाँ पर भर्ती की जानकारी देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही अन्य भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।